हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैक्टर स्कूल एजुकेशन होम क्लासेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव बाय मैडम अनुराधा गुप्ता। माय सेल्फ इज कुलदीप गुप्ता, लेक्चरर इन जियोलॉजी एंड एट प्रेजेंटली वर्किंग एट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अलनिया जम्मू। बच्चों, आज मैं 11th क्लास के बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से जो जियोलॉजी का पोर्शन है, जियोलॉजी के पोर्शन में से जो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें से हमने एक सब टॉपिक लिया है जिसको हम कहते हैं कह रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि ये क्राइटेरिया हैं, किन किन क्राइटेरिया के बेस पे एनिमल किंगडम को आगे फर्दर डिफरेंट फाइला में क्लासिफाई किया गया है। तो इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। इसमें पहला हम जो स्टडी करेंगे वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्री की बॉडी सिमेट्री ऑर्गेनिज्म की कैसी है। देन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लेयर्स दैट वी वॉन्ट टू से इन जर्म लेयर्स एंड वी कैन कैटेगराइज दैम एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सिलोम विच वी कॉल एज बॉडी कैविटी। देन सेगमेंटेशन बाय वेदर द बॉडी इज सेगमेंटेड और नॉट। देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोर। दीज आर द सर्टन essential features which we call as basis of classification. But उससे पहले हम आपकी previous knowledge को थोड़ा refresh up करेंगे। आपने पिछली क्लासों में ये पढ़ा होगा और आपके 11th के जो पिछले botany के अभी lectures हुए हैं इधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन होम क्लासेस में, वहाँ भी ये आपको बताया गया है कि आर एच विताकर जिन्होंने 5 kingdom classification of organism दिया है वो किस बेस पे दिया है। डिपेंडिंग अपॉन कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की वेदर इट इज प्रोक्रैटिक और यूक्रैटिक, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है हेटरोट्रॉफिक है, देन कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। तो अकॉर्डिंगली द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड एज ऑल यू नो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एंड एनिमलिया एंड वी आर कंसर्न विद एनिमलिया किंगडम एनिमलिया एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमलिया ऑल्सो यू नो दैट दीज आर मल्टी सेलुलर यूक्रैटिक यूक्रैटिक यू नो दैट न्यूक्लियस देर इज अ डेफिनेट न्यूक्लियस देन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन जो इसमें ज़्यादा पाई जाती है। देन देयर सेल do not have chlorophyll, cell wall is absent and they mostly reproduce by sexually, however asexual reproduction has also been reported in some animal phyla. Now, before we go to the basis of classification in actual, we should know different phyla which we can say that taxonomic ranks in which the animal kingdom has been classified. However, we shall also classify later on in the next class on the basis of the criteria which we are laying down. But we should at least have introduction with their names ki, because we have to quote the examples of these phyla in the coming this our 2 days lesson actually. So there are list of phyla in animal kingdom, that is Porifera. Isme aapka main sponges jo example aa jati hai, Coelenterata, Hydra, jellyfish isme example hai, Gentinophora, gum jelly isme aa jata hai, Platyhelminthes aap tapeworm ke sath isko thoda sa relate kar sakte ho, then Escalhelminthes, Ascaris jisme isko roundworm kehte hain, देन एनिडा अर्थवर्म के आपको अच्छी तरह जानते हैं, अर्थवर्म जो फार्मर्स फ्रेंड भी है,
तो वो एनिलिडा में आता है। देन आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट फैमिली जा आ जाती सारी, आंट्स, हनी बीज, बीटल सब आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। देन मोलस्का जिसमें ऑक्टोपस, स्नेल्स ये सब इसमें आ जाता है, ऑयस्टर। देन एकाइनोडर्मेटा जिसमें मेन एग्जाम्पल आपकी स्टार फिश है। देन कॉर्डेटा, एक्चुअली देर इज ऑल्सो हेमी कॉर्डेटा, वी आर इंक्लूडिंग इट ऑल्सो इन कॉर्डेटा। देन कॉर्डेटा कंटेन फिशेज, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। सो एज वी हैव टू कोड द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइला इन अवर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स वाई आई हैव रिटन दीज नेम्स फॉर योर, सो दैट यू आर फेमिलियर विथ दीज नेम्स। अगेन, पॉलीफिरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्कलहेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा। आप इसको 2-3 बार इसको जब रीड आउट करेंगे तो ये आप फेमिलियर हो जाएंगे आपके साथ। सो नेक्स्ट, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऑलरेडी यू नो कि क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम सिमिलरिटी और डिफरेंस। एक्चुअली इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द स्टडी कैन बी इजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी इजी। एज आई हैव ऑलरेडी रिटन द एडवांटेजेस, दैट इज इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन क्लासिफिकेशन हेल्प इन फाइंडिंग इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दे मेक क्लासिफिकेशन मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू द न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज। नाउ कमिंग ऑन आवर टूडेज टॉपिक दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन द स्टार्टिंग दैट आवर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लेयर्स, देन सिलोम, सेगमेंटेशन, प्लेन्स और एब्सेंस ऑफ नोटोपोर। नो वी शैल डिस्कस वन बाई वन। नो फर्स्ट ए पार्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी नो दैट एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मल्टीसेलुलरिटी कैरेक्टर्स ऑफ ऑल एनिमल्स, ऑल ऑफ देम वी कैन से ऑल एनिमल्स डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो पहला जो आपके पास जा रहा है सेलुलर लेवल, इसमें क्या है कि सेल ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। इसकी सिंपल एग्जांपल पॉलीफिरा स्पॉन्जिस में आप देख सकते हैं स्पॉन्जिस को। तो दिस इज स्पॉन्ज, सो सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल। क्या एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डिमांड दे डिमांड इज लेस, सो इट हैज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नो नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। एज वी नो दैट डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, दे हैविंग सेम पैटर्न एंड सेम ओरिजिन, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वी कॉल देम एज टिश्यू। सो इन टिश्यू लेवल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज, वी कैन से दे आर अरेंज इन टू टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल वी एग्जाम्पल ले सकते हैं सिलेंट्रेट में हाइड्रा, ओविलिया, कोल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस हाइड्रा। नो इट हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नो कमिंग थर्ड टू ऑर्गन लेवल, इन दिस द टिश्यू आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, एज वी नो स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, दीज ऑल दीज आर द ऑर्गन्स एंड दे ऑर्गन्स हैव देयर स्पेशल फंक्शन। सिमिलरली इन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वी फाउंड इन प्लेटीहेलमिंथस, ऑर्गन्स परफॉर्म द स्पेशलाइज फंक्शन। सो एग्जाम्पल इज प्लेटीहेलमिंथस एज ऑलरेडी सेट इंक्लूड फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, एटसेट्रा, दिस इज प्लेटवर्म। नो ऑर्गन सिस्टम लेवल, यू ऑल वेरी वेल नो दैट वी ह्यूमन बींग हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल, दैट इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड द ऑर्गन्स दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम
एंड दे हैव पर्टिकुलर फंक्शन एंड इन ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है डिफरेंट ऑर्गन्स दे कोऑर्डिनेट एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. जैसे हम देख रहे हैं जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है नोज है, नेजोफेरिंग्स है, ट्रैकिया है, देन देन ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, देन लंग्स हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो क्या बना रही हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं. इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं जितने भी फाइला एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक है, उसमें आर्थ्रोपोडा आ जाता है, मोलस्क्स आ जाता है, इकाइनोडर्मेटा आ जाता है, हेमिकॉर्डेटा आ जाता है, कॉर्डेटा आ जाता है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. फर्दर हम अगर देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में क्या है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है. जैसे कईयों में डिजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, कईयों में इनकम्प्लीट है. जब हम इनकम्प्लीट डिजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक ही ओपनिंग है, वही माउथ का काम करती है, दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस. उसी में से क्या है अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स हैं और वेस्ट भी रिलीज हो रहे हैं, वो उसी माउथ से वो फूड भी ले रहे हैं. तो ये जो इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि जो सेम ओपनिंग इट सर्व द पर्पस दैट इज माउथ एंड एनस. एज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अनडाइजेस्टिव फूड अलॉन्ग विद वेस्ट इज रिलीज फ्रॉम द सिंगल ओपनिंग, सो दे ऑफन हैव टू टेक फूड कॉन्स्टेंटली टू रिप्लेस द फूड दैट इज एक्सक्रीटेड बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड. एक्चुअली ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है न्यूट्रिएंट पूरी तरह पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो सो इनको कॉन्स्टेंटली फूड लेना पड़ता है. ये हम एग्जाम्पल ज़्यादातर कॉन्सिक्स में पाई जाती है प्लेटी हेलमेंटस में, ठीक है. ये इसमें हम देखते हैं कि सिंगल माउथ ओपनिंग है, ठीक है, वही एनस का काम कर रही है. और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यू आर वेरी मच फैमिलियर दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ले लें आप, इसमें माउथ है, फेरिंग्स है, ओएसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है. तो इसमें क्या है फूड पूरी तरह प्रॉपरली क्या आता है डाइजेस्टेड होता है एंजाइम की मदद से, फिर एब्जॉर्ब होता है, सिमिलेट होता है, देन द अनडाइजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड आउट. तो इट इज़ अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. जे ऑल द मेमर्स इसमें ह्यूमन बींग्स और इवन इंसेक्ट्स, ये सारे इसमें क्या है कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा. देन नेक्स्ट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ह्यूमन बींग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. आपने 10th में पढ़ा है कि उसमें ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड वेसल्स में होता है आर्टेरीज, वेंस और कैपिलरी में. तो दैट इज टिश्यू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड. सो इट इज़ वेरी एफिशिएंट सिस्टम है हमारे ह्यूमन बींग में ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. ऑक्सीजन भी ज़्यादा प्रोड्यूस सप्लाई होती है प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी यानी एनर्जी मिलती है. वेयर एज इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसमें ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू अ बॉडी कैविटी. दैट्स बॉडी कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील, एंड ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद टिश्यू. जैसे इसमें देख रहे हैं आप पहली वाली डायग्राम, इसमें जो है ब्लड इट कम्स डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद टिश्यू. ये बॉडी सेल ये किसमें पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में. और ये हम देख रहे हैं कि ये जो है जो जो सेकंड डायग्राम है ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस किया है. ये हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ये पाया जाता है, और इनवर्टिब्रेट लाइक अथवा में भी ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. तो ये था ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. एक्चुअली होता क्या कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेट ऑफ सर्कुलेशन जो ब्लड का लो रहता है, वेयर क्लोज में जैसे मैंने बताया कि वो हाई रहता है रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, वो एफिशिएंट सिस्टम रहता है ये सारा. तो उसके बाद जो सेकंड है बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो है सिमेट्री. सिमेट्री का जब नाम आता है तो हम बहुत पहले सब पहले अपने आप को देखते हैं तो कि इसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है. क्योंकि बॉडी की सिमेट्री जितनी अच्छी होगी, जितना उसको टू इक्वल हाफ में हम
या डिवाइड कर सकते हैं, उतना वो सिमेट्रिक, उतनी उसकी खूबसूरती, उतनी उसकी ब्यूटी अच्छी होती है। इसमें प्लांट्स में भी इसकी सिमेट्री पाई जाती है, एनिमल में भी सिमेट्री पाई जाती है। तो सिमेट्री वी कैन से रेफर टू कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन साइज, शेप एंड रिलेटिव पोजिशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए डिवाइडिंग लाइन। तो जैसे हम कहते हैं दूसरी साइड में क्या क्या उसमें पोर्शन पार्ट चीज़ें हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस यानी एक के कॉरस्पॉन्डेंस में दूसरी कौन सी है। वो बायोलॉजी में सिमेट्री मीन्स इट इज अ रेपिटेशन ऑफ पार्ट इन एन एनिमल और प्लांट इन एन ऑर्डरली फैशन। सो डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज इन टू रेडियल, बाइलेटरल, रेडियल, बाइलेटरल एंड एसिमेट्रिकल। रेडियल को अगर जब देखें तो रेडियल की नज़र जहाँ पे आप लगाएं, ये स्टार फिश का डायग्राम है, स्टार फिश है ये काइनोडर्मेट का मेंबर है। हम देखें कि इसको हम जिस प्लेन से जिस प्लेन से भी काटे हैं, जिस प्लेन से भी काटे हैं इसको, ये दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाता है। ये पांच प्लेन है, इसके पांच तरीकों से इसको हम दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेडियल में एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ। वो कौन सी सिमेट्री हो गई? रेडियल। जैसे एग्जाम्पल में हमने सीलनटेट, टीनोफोर, काइनोडर्मेट्स ले लेंगे, लेकिन जहाँ हमने शो काइनोडर्मेट में से क्या लिया है, स्टारफिश। तो ये इसको हम, क्योंकि ये पांच प्लेन से इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पेंटा रेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेंटा रेडियल। अगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम सिर्फ दो प्लेन से ही इक्वल पार्ट में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बाई रेडियल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री आती है। बाइलेटरल सिमेट्री जे आप एग्जांपल आप सामने आपके ऐसा सामने डायग्राम है, ये डायग्राम देख लो कि ये जो सेंटर एक ही प्लेन से, हम इसको दो इक्वल हाफ में बराबर बांट सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी आप हमारी कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो हम कह सकते हैं ओनली वन प्लेन डिवाइड्स ऑर्गेनिजम्स इन टू टू आइडेंटिकल हाफ। इसमें एग्जाम्पल है एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। इसमें एनिलिडा आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, और हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा नहीं आएगा। बिकॉज इकाइनोडर्मेटा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इकाइनोडर्मेटा कहाँ आ गया है? रेडियल में, ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर। और जहाँ तक एसिमेट्रिकल है, इसमें नो प्लेन डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इंटू आइडेंटिकल पार्ट। ये आप देख रहे हैं स्पॉन्जेस में, इसमें आप जिस मर्जी प्लेन से इसको काटें, चाहे इस प्लेन से काटें चाहे इस प्लेन से काटें, दो इक्वल हाफ इसके नहीं बनते, इसलिए उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का था, सेकंड। उसके बाद सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन लेयर्स, दैट इज जर्म लेयर्स। ऑन दैट बेसिस वी कैन से द ऑर्गेनिज्म आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्चुअली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जर्म लेयर इज फॉर्म, एंड उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इट इज डिसाइडेड कि ये टू लेयर्स बनेगी या थ्री लेयर्स बनेगी। जब हम डिप्लोब्लास्टिक की तरफ आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जो पहली डायग्राम है, इसमें जो अंदर जो है एक लेयर है एंडोडर्म, और बाहर जो लेयर है एक एक्टोडर्म, ये वाली जो पहली डायग्राम डिप्लोब्लास्टिक की है, इसमें हम क्या कहते हैं, एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल एक्टोडर्म है और इंटरनल एंडोडर्म। और इसमें एग्जांपल पॉलीफिरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा। तो एक्चुअली कई बार हम ये पाया जाता है कि एक हम देख रहे हैं जहाँ एक ये आप ब्लू कलर का मेसोग्लिया, ये क्या है, कई बार हम अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जो पाई जाती है, एक्चुअली मोस्टली ये एसेलुलर होती है, लेकिन इन सम केसेस इट कंटेन मसल बंडल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो ये एक्चुअली ये मीजोडर्म नहीं है, जे मीसोग्लिया है, जो कि क्या काम करती है, इसका मेन फंक्शन रहता है हाइड्रोस्टेटिक इन फंक्शन है, फ्लूड प्रेशर। एक्चुअली जो फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड नॉट थ्रू रिजिड स्केलेटन बट बाय द इंटरनल प्रेशर।
तो इसको वो दूसरा क्या है, स्पोर्ट, बॉडी की स्पोर्ट भी करती है, और ये इलास्टिक इन नेचर, सो दैट द शेप ऑफ द बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर इट इज डिफॉर्म्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ मसल। तो ये हम इसको क्या मीजोडर्मी ले सकते हैं, ये क्या मीजोग्लिया जो कि डिप्लोब्लास्टिक में एग्जिस्ट करती है वो से केसेस में। तो इसी के बेस पे कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक के नेचर होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको पॉलीफिरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ये जो मेंबर्स हैं। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, जिनमें तीन लेयर्स हैं, जो ये डायग्राम आप देख सकते हो, जिसमें बाहर की एक्टोडर्म है, अंदर की क्या है एंडोडर्म है, और ये बीच में आप लाइट येलो येलो कलर की आप देख रहे हैं, ये है मीजोडर्म। तो दीज एनिमल्स इन विद द डेवलपिंग जो लेयर्स हैं, है थ्री जर्मिनल डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है थ्री जर्मिनल लेयर, दैट इज एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसमें जितने भी फाइलम्स हैं, कहाँ से लेके लैटीहेलमिंथस से लेके कॉर्डेट तक, यानी मोलस्क एनलिट आर्थ्रोपोडा एमी कॉर्डेट और कॉर्डेट, सब में क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है, किसकी जर्म लेयर की। एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर हेल्प ए लार्जर डाइवर्सिटी ऑफ बॉडी प्लान, जितना क्योंकि बॉडी प्लान जितना ये लेयर ज़्यादा होंगी उतना ही क्या होगा डाइवर्सिटी ऑफ बॉडी प्लान होगा। सो नेक्स्ट इज सिलोम। सिलोम इज एक्चुअली बॉडी कैविटी, इट इज फॉर्म्ड बाई मेजोडर्म एंड पेरेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम गट भी कहते हैं, एंड बॉडी वॉल, एंड इट ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम वी कैन से द एनिमल्स कैन बी सिलोमेट, देन सीडो सिलोमेट एंड ए सिलोमेट। एक्चुअली सिलोमेट इज अ वी कैन से इसका फंक्शन मेन क्या रहता है, इट इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इट इज हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन रहता है स्केलेटन है, एंड टू एड मूवमेंट अलो फॉर मोर एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो जितना सिलोमेटिक एनिमल होगा उतनी ये इसमें ये फंक्शन जो खूबियां पाई जाएंगी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। तो एनिमल पोजेसिंग टू सिलोम, टू सिलोम का मतलब कि जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म और इनर लेयर है एंडोडर्म, ये आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म, इसके बीच में मीजोडर्म जो है स्प्लिट हो गई है, यानी एक जे वाली है वो जे एक्टोडर्म के साथ है, जे एंडोडर्म के साथ है, जे वाली ये स्प्लिट होके एक कैविटी बना रही है जिसको हम सिलोम कहते हैं, इसको इसी को हम ट्यू सिलोम कहते हैं। तो ये किस में पाई जाती है, एनलिड से लेके कॉर्डेट तक, इसमें फिर क्या कौन से आ गए आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेटा। उसके बाद सीडोसिलोमेट, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म, बट मेजोडर्म इज स्कैटर्ड, यानी मेजोडर्म कैसे है इन स्कैटर पोचिस में है, ये पूरी तरह नहीं बनी है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एस्केल हेलमिंटस जो राउंड वार्म, इसमें क्या है सीडोसिलोम है। ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी है, जैसे हम सीडो पहले ए सिलोमेट है, फिर सीडो सिलोम है, फिर टू सिलोम है, तो ये भी एक एवोल्यूशनरी स्टेप है कि ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म है पहले सिलोम नहीं था, फिर सिलोम बनना शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद ट्यू सिलोम बना। तो ये तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है, ए सिलोमेट, इसमें क्या है लैक ए फ्लूड फील्ड कैव बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, एग्जाम्पल इज लैटी हेलमेंटस। तो ये था सिलोम। उसके बाद सेगमेंटेशन, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसमें एनिमल की डिवीजन रहती है इनटू अ सीरीज ऑफ रेपिटेटिव सेगमेंट, अथवा में हम देखते हैं कि बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू अ सीरियल रेपिटेशन, यानी कि सेगमेंट जो है वो डिवाइड हो गए इनटू सीरियल रेपिटेशन। एटलीस्ट क्या होता है कि ये इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर पार्ट, यानी एक सेगमेंट में कुछ पार्ट हर सेगमेंट में सेम सेम है। तो हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ सम एनिमल बॉडी प्लेन्स इनटू अ सीरीज ऑफ रेपिटेटिव सेगमेंट, एंड इन सम एनिमल्स कईयों में तो सिर्फ एक्सटर्नली है, जैसे आप टेप वाल में देखते हैं वो एक्सटर्नली ही है, उसमें हम उसको सेगमेंटेशन नहीं कह सकते, लेकिन
इसमें जो है बॉडी एक्सटर्नली एज वेल इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंट। तो इसको हम जिसमें एग्जांपल बहुत सी आ गई एनलिड में, बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल है सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन का इन कॉर्डेट में भी इसकी सेगमेंटेशन है, अगर हम एनलिड से आगे चलें आर्थ्रोपोड की तरफ मोलस्क की तरफ, बट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज लॉस्ट एंड इंटरनल सेगमेंटेशन इज सीन इन द एम्ब्रियो स्टेज एंड इट इज ऑल्सो एडाप्टेशन ऑफ एफिशेंट लोकोमोशन। तो सेगमेंटेशन के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज नोटोकॉर्ड, क्योंकि नोटोकॉर्ड के बेस पे ही हम कह सकते हैं कि ये कॉर्डेटा है, कॉर्डेट्स हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। एक्चुअली व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, मेसोडर्मी डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड इज फॉर्म्ड ऑन द डार्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि बॉडी को इंटरनली ये सपोर्ट करती है और मसल्स भी इसके साथ अटैच हो रहते हैं। तो जो एनिमल नोटोकॉर्ड को पजेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन सम स्टेज एटलीस्ट किसी भी स्टेज पे, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी नोटोकॉर्ड क्यों ना हो, उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। तो उसमें हम सारे आ जाएंगे, सेफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट्स और इवन वर्टिब्रेट्स भी आएंगे। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या है कि जो नोटोकॉर्ड है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें आते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड बट आफ्टर दैट इट इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इससे हम क्या आता है इसकी हम अच्छे तरीके से हम अपनी बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। तो क्योंकि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर वो हार्ड हो जाती तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता बेंड करना। तो ये वर्टिब्रेट्स में क्या है कि इट इज रिप्लेस बाई वर्टिब्रल कॉलम। और जो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स उसमें फाइल आएंगे, पॉलीफिरा टू इकोनोडर्मेट्स, इसमें सीलेंट्रेट्स भी आ जाएगा, टेनोफोरा भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनलेट भी आ जाएगा, मोलस्क भी आ जाएगा, तो ये सारे आर्थ्रोपोडा भी आ जाएंगे, तो ये सारे इकोनोडर्मेटा के तक ये आ जाएंगे। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस फाइला के अंदर इकोनोडर्मेटा, ये सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। तो आपने देखा कि ये जितने भी 6 के 6 जो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक क्राइटेरियन बनते हैं आगे एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए। जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही फाइला के नाम बता दिए, एटलीस्ट इसलिए फाइला के नाम बताया कि अभी आपने देखा हर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनकी एग्जाम्पल्स बार बार आ रही है। तो अंटिल एंड अनलेस यू आर फेमिलियर विद द डिफरेंट नेमिंग ऑफ दिस फाइला, तो हमें क्या ये कन्फ्यूजिंग रहना था कि ये क्या नाम आ रहे हैं। तो सो आई होप कि आपको इसका काफ़ी, इसमें से आपको जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो हमने आज का सब टॉपिक लिया उसको समझ आई होगी। तो यू ऑल्सो गो थ्रू द बुक्स। सो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम लेके आएंगे आपके लिए कि अब ये सीरीज चलती रहेगी आगे किसकी जियोलॉजी में, नेक्स्ट जो टॉपिक चलते रहेंगे तो उसमें हम लेके आएंगे कि वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन इन बेसिस जो फीचर्स हैं इनके बेस पर हम कैसे उसको क्लासिफाई किया है। पहले आपको नेमिंग तो बता दिया, फिर भी एक बार दोबारा हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के करने के बाद ईच फाइला के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जितना हो सके इसको शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाए। थैंक यू और हैव ए गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ इस इन दिस क्रूशल स्टे पीरियड। आई एडवाइज यू टू स्टे एट होम सो दैट यू कैन स्टे सेफ एंड यू कैन कीप अदर सेफ ऑल्सो। थैंक यू।